नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक SME IPO MRC Exim Ltd के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और इसके IPO रजिस्ट्रार्स होंगे पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। कंपनी का इशू 6 दिसंबर 2017 को खुलेगा और 8 दिसंबर 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स प्राइस IPO इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और कंपनी ने इसका फिक्स प्राइस 15 रुपये प्रति शेयर रखा है। 8,000 शेयर का इसका लॉट होगा और 1,20,000 रुपये की एप्लीकेशन मिनिमम जाएगी और इसकी लिस्टिंग SME के BSE SME प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी एक फ्रेश इशू ला रही है 30 लाख शेयर का, जिससे कंपनी जुटाएगी 4.5 करोड़ रुपये। मार्केट मेकर पोर्शन होगा 1,52,000 शेयर का। 14,24,000 शेयर रिजर्व होंगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए और अन्य इन्वेस्टर्स के लिए 14,24,000 शेयर रिजर्व होंगे। इस कंपनी के प्रमोटर से मिस्टर कीरित कुमार शाह, जिनके पास कंपनी के 16,57,000 शेयर हैं और उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9.70 रुपये है। दूसरे प्रमोटर से मिस्टर चंदू के जैन, जिनके पास कंपनी के केवल 5,22,750 शेयर हैं और इनकी कॉस्ट 9.99 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी की स्थापना 12 अक्टूबर 2015 को MRC Exim Ltd के नाम से मुंबई में हुई थी और उस समय इन्होंने 10,000 शेयर इशू करे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने के लिए। 28 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 तक 3 बार कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करी 25 रुपये प्रति शेयर में। 18 अगस्त 2017 को इन्होंने बोनस शेयर भी दिया, 2 शेयर के बदले 3 शेयर। कंपनी जो है वो बिजनेस करती है ट्रेडिंग का, जिसमें कि ये काफ़ी इनके इंडस्ट्रियल और मेटल और एलॉय प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आयरन और स्टील भी शामिल हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी मल्टी प्रोडक्ट इनका पोर्टफोलियो है, जिसमें ये बनाते हैं जीआई पाइप्स, इंसुलेटर्स, ट्रांसमीटर, हीट एक्सचेंजर्स, कंडक्टर्स, वाटर पम्प्स, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टंगस्टन, एल्युमिनियम कॉयल और स्टील पाइप, D1 टूल स्टील्स, D2 टूल स्टील्स और HSD टूल स्टील्स वगैरह। ये जो अपने क्लाइंट्स हैं इनके कॉरपोरेट और अदर क्लाइंट्स हैं जो फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आते हैं। कंपनी का जो इशू है वो उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि कंपनी को ये भरोसा है कि उससे इसकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स को इसकी कंपनी के शेयर को खरीदने बेचने में आसानी होगी। कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो एक ही फाइनेंशियल ईयर पूरा है, क्योंकि 2016 का फाइनेंशियल ईयर केवल 5 महीने का था और 31 मार्च 2017 को पूरा फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने वर्किंग करी है, जिसमें कंपनी ने 53 पैसे पर शेयर कमाया है, अर्निंग पर शेयर। टोटल रेवेन्यू लगभग 16.5 करोड़ रुपये का था और प्रॉफिट केवल 11,88,000 रुपये का था। अगर हम कंपैरिजन करें पीयर ग्रुप का रेशोज के साथ में, तो कोठारी प्रोडक्ट्स, रेन कमोडिटीज और अशदेव इंटरनेशनल, ये 3 नाम कंपनी ने दिए हैं और जो तीनों की पी रेशो है वो क्लियर नहीं है। कोई खास कंपैरिजन कंपनी ने अपने इसमें नहीं किया है। अगर हम एनालाइज्ड करें प्रॉफिट, ये पीई रेशो को इशू के बाद की डाइल्यूटेड इक्विटी के अंदर, तो इनकी जो पीई रेशो आ रही है जो 150, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज 66 है। तो हम आपको ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा महंगा इशू है, इस इशू को आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।